राम राम भाई सारिया ने। और नहा धो के फ्रेश होके मैंने लगाया मेरे बालों में तेल और फिर छोटी सी कंघी से बाए मेरे बाल, साथ ही पुछ पुछ वाली डिब्बी से छिड़का थोड़ा सा गुलाब जल। इससे पूरे दिन मेरा फेस फ्रेश रहता है और इसके बाद मैं हो गया रेडी टू गो। तो आज का व्लॉग होने वाला है गोविंद देव जी के लिए, जो कि मैं जा रहा हूँ गोविंद देव जी के टेंपल पर। हम सुबह सुबह दर्शन करने जा रहे हैं, मैं और संयम। संयम को आप लोग नहीं जानते हो, तो संयम से आज मैं आप सभी को मिलाऊंगा। संयम मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और संयम को मैं 3-4 साल से जानता हूँ, क्योंकि हम दोनों ने ग्रेजुएशन साथ में की है, हमारी बैचलर डिग्री। मैं आपको अभी का मौसम दिखा देता हूँ। अभी का मौसम जो है वो बहुत ही साफ है, उजाला होने वाला है और अभी टाइम हो रहा है 7:15। टेम्परेचर बहुत सही है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है। तो या आप लोग बने रहिए, हम जाते हैं गोविंद देव जी पर और आपको बताएंगे कैसा लग रहा है हमें। सो या स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। तो 40 की स्पीड में बाइक भगाते हुए मैं निकल गया संयम के घर। थोड़ी देर में मैं संयम के घर पे पहुंच गया और मुझे संयम का घर बहुत ही पसंद भी है। उसके बाद संयम ने आके खोला गेट का लॉक और हमने किया हैंडशेक। फिर ठंडी ठंडी हवा में मज़े करते हुए हम निकल गए गोविंद देव जी के मंदिर की तरफ। ट्रैफिक बहुत ही कम था और हमें देखने को मिला एक बहुत ही खूबसूरत सनराइज और साथ ही सरगासूली। अब हम आ चुके हैं गोविंद देव जी के टेंपल पर और ये है गोविंद देव जी टेंपल का मेन गेट। सैम मेरे साथ है आज, सैम तो कुछ बोलना चाहेगा क्योंकि तेरे लिए ब्लॉग नया है और ये जो भी व्यूअर्स है ये तेरे लिए नए हैं। ठंड है भाई अभी तो, बस ठंड तो बहुत ज़्यादा है भाई, ठंड तो बहुत ज़्यादा है। आज तो हम वाकई में ऐसे मरते मरते आए ठंड की वजह से। सुबह नहा धो के आए लेकिन 6 बजे। तो अब हम एंट्री ले लेते हैं, थोड़ा सा हमें चलना पड़ेगा दर्शन के लिए। अंदर जाके मैं आपको बताऊंगा कि दर्शन कैसे हैं, क्योंकि अंदर हम शायद फ़ोन यूज़ कर सकते हैं और जैसा कि आप लोग को जानते हो गढ़ गणेश जी के दर्शन में हम फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ करेंगे तो हम आपको दर्शन ज़रूर दिखाएंगे। फिर जूते उतार कर मैंने रख दिए रैक में, क्योंकि संयम ने बोला था कि आज सैटरडे है तो चोरी होने का रिस्क है। और फिर चल दिए मंदिर की तरफ। मंदिर में एंटर होते ही हमें देखने को मिले सुबह सुबह की भव्य आरती और साथ ही बहुत ज़्यादा भीड़। पर मेरे दर्शन तो बहुत ही अच्छे हुए और मैं बहुत ही संतुष्ट था। तो अब हमारे दर्शन हो चुके हैं गोविंद देव जी के, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही भव्य दर्शन हुए और हम बहुत लकी थे कि हम आरती के टाइम पे गए हैं। पहली आरती थी, मेन आरती थी। तो सैम तो कुछ बोलना चाहेगा, अभी आगे कहीं चल रहे हैं अपन, अब कुछ खाने पीने जा रहे हैं तो कंटिन्यू रहेंगे। फिर हवा महल होते हुए हम पहुँच गए कचौरी समोसा खाने के लिए। मैंने लिया समोसा और इधर सैम ने खाई कचौरी। कचौरी समोसा खाने के बाद हम निकल गए गुलाब जी की चाय और बनमस्का खाने के। गुलाब जी के भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हमें करना पड़ा वेट। उसके बाद में मैंने उठाई मेरी चाय और खींची एक झन्नाटेदार चुस्की और संयम ने शुरुआत की बनमस्का से। तो अब हम हो चुके हैं सब जगह से फ्री। हमने गोविंद जी के दर्शन भी कर लिए, कचौरी भी खा ली है और गुलाब जी पे चाय और बनमस्का भी खा लिया है। संयम मेरे साथ है, अब लोग हम घर जा रहे हैं और आपसे मुलाकात करेंगे अगले ब्लॉग में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे फीडबैक देते रहिए। तो बाय, स्टे ट्यून्ड और स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। तो कुछ, बाय बाय।